हर एक व्यक्ति की सफलता और असफलता के पीछे उसकी आदतों का पड़ना है। अच्छी आदतें आपको जल्दी सफलता दिलवाती है और बुरी आदतें आपको असफलता मिल जाती है। और ये भी कड़वा सच है, पहली बार में सफलता किसी को नहीं मिलती और असफलता के मूल में ही सफलता छुपी हुई है। जब ए हटा देंगे तो सफलता दिखने लगेगी और इसका मूल कारण है रिपीटेशन। अगर आप भी टालमटोल की आदत में फंस चुके हैं, इस सीरीज में आपको बता रहे हैं असफलता का मूल कारण क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन, आप खुद इस वीडियो में डालें कि क्या आप इस आदत से ग्रस्त हैं और इस आदत को बदला जा सकता है, क्योंकि हम वर्ल्ड के एक ऐसी प्रजाति हैं जिसके अंदर पास दिमाग है। और NLP न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम टेक्निक आपको आपकी गंदी आदतों से बाहर निकाल सकता है। इस टेक्निक को अब आप समझेंगे लास्ट अंत तक। अगर चाहते हैं टालमटोल की आदत से बाहर निकलना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक भेज दें। आपकी असफलता में दूसरों की विन विन लाइफ को जीना भी जीना है। विन विन लाइफ क्या है? दूसरों के लिए मददगार बनना। मैं वीडियो बनाता भी इसलिए हूँ कि कोई भी अच्छी आदतें दूसरों को बताने से बनती है। मैं अपने आप को पक्का कर रहा हूँ और आप इस वीडियोस के माध्यम से जो एक्शन लेने हो लेकर जो भी आपका अनुभव हो इस वीडियो को जरूर डालेंगे। टालमटोल की आदत है क्या? टालमटोल क्या है कि आपको पता तो है ये कार्य करना है, पर ये कार्य अभी कल पे डालते जाते हैं और वो कल कभी आता नहीं है। एक बिल तो भरना है फ़ोन का या बिजली का, पर आप लास्ट डेट की वेट कर रहे हैं। ये आदत अच्छी नहीं है, ये आपकी असफलता को दूर ही दे देता है, दूर ले जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको और इससे आप अपनी जितनी भी अच्छी आदतें हैं उसको और नीचे कर देते हैं, अपनी आदतों को गुणों को कम कर देते हैं। और दूसरों को चरित्र का निर्माण करने के लिए अपने अंदर चरित्र का निर्माण करना बहुत जरूरी है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको NLP की टेक्निक, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम, EIA, ये तीन स्टेप लेकर आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं और आपकी असफलता के पीछे जो आपके लिए वो एक्शन होंगे वो आपको सफलता दिलवाएंगे। और ब्रेन आपको ज़्यादातर आपको कंफर्ट जोन में ले जाता है, और जो कंफर्ट जोन है उसे बाहर निकलना ही, हमने अपने माइंड और मन को अपना गुलाम बनाना है, उसके गुलाम नहीं बनने। और जिस दिन अपने माइंड और बॉडी दोनों को तालमेल बना दिया, मन बड़ा चंचल है और माइंड अपसेट है। इस बात से कहता हूँ कि प्रशंसा दिल से करें और आलोचना हमेशा दिमाग से करें। प्रशंसा हमेशा दिल से करें। कई लोग कहते हैं कि प्रशंसा करूँगा तो वो मेरी सिर पे बैठ जाएगा, ये वाक्य गलत है। अगर आप प्रशंसा ही नहीं करेंगे तो वो आपका बनेगा ही कैसे। और प्रशंसा हमेशा दिल से करें, रुके नहीं। और अगर आप उसकी आदतों को बदलना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं, तो दिमाग से करें, उस वक्त दिल ना लगाएं, उसकी अकेले होकर उसको बता दें। और इस अवेयरनेस में पहला स्टेप जो है, इस AI टेक्निक को यूज़ करके आप भाग सकते हैं। पहला ए जो कह रहा है वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप ये मान लेंगे कि मैं भी टालमटोल की आदत से ग्रस्त हो चुका हूँ, तो उसका रास्ता आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा। इससे बाहर निकलने के लिए एक टेक्निक है, 6 बार आपको ब्रीथ इन और आउट करनी होगी। मेरे साथ जरूर करें, एक बार सीखें। श्वास को भरेंगे गहरी, पेट को बाहर निकाल लेंगे और कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, और जब बाहर छोड़ेंगे तो ऐसे छोड़ेंगे जैसे किसी पाइप से छोड़ रहे हैं विदाउट फोर्स। श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और फिर इसको बाहर निकालेंगे। ये प्रक्रिया करने से, 6 बार करने से आपका माइंड आपको एक ऐसे स्टेट में ले जाता है जिससे आप अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं, आदतें फिर कोई भी हो। दूसरा है ए के आगे आई। आप एक इंटेंशन दें कि जो कार्य मैं छोड़ना चाहता हूँ उसमें लाभ कितना है, लिख लें। मैं अगर नहीं करता तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा, और अगर कर लेता हूँ तो फिर लॉस भी क्या होगा वो भी लिख लें। करने से लाभ क्या होगा और ना करने से नुकसान क्या होगा, इसके विपरीत भी कोई काम है, लिख लें क्या लाभ और क्या हानि जिस आदत को मैं छोड़ना चाहता हूँ, टालमटोल की आदत। ऐसा करने से आप अवेयर हो जाते हैं। और फिर वही है तीसरा स्टेप, इंटेंशन, एक्शन ले। एक्शन जो लेगा वही सफलता देगा, जो सुनेगा खाली वीडियो उसके साथ काम नहीं होगा। एक्शन ले कि मुझे जो ब्रीथ की है वो 6 बार कुछ दिन रोज करूँगा, क्योंकि असफलता एक बार में नहीं मिलती, पर लगातार प्रयास करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। इस टेक्निक से आप अपनी टालमटोल की आदत से बाहर निकल जाएंगे और फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। करके देखें NLP की टेक्निक या आपके साथ टेक्निक से आप अपनी टालमटोल की आदत से बाहर निकल जाएंगे और फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। करके देखें NLP की एक टेक्निक या आपके साथ भी काम करेगी, क्योंकि और जिन्होंने की है उनके साथ भी काम की है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ ये वीडियो तक आ चुके हैं।
अगर ये वीडियो आपको चाहिए तभी आप अंत तक हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है इस सेक्शन को लेकर आप अपनी सफलता को आगे जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, मैं डॉक्टर पंकज आपसे वादा करता हूँ सफलता में आपके पास कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि आप हैं एक्शन टेकर। थैंक यू सो मच।